नमस्कार जो हाल आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और समाचार प्लस आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाला है जिससे आपका भी जो सीना है वो और भी ज्यादा गौरवान्वित हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे हमारे देश के जो जवान है, जो शूरवीर जवान है, उनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। क्योंकि राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में चल रहा है विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर तीनों सेनाओं के तमाम जितने भी जवान हैं, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जितने वेपन्स एमिनिशन हैं, उन सभी के बारे में एग्जीबिशन लगी हुई है। और आपको बता दें कि यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल यहां पर आएंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरें देख करके बिल्कुल ही बहुत अच्छा लगेगा। यहां पे आप देख सकते हैं जो स्टॉल्स बने हुए हैं, ये पारा एसएफ का स्टॉल है और यहां पे जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे बूट्स हो, उसके बाद स्कूबा डाइविंग का हो, ये ब्लैक हॉर्नेट करके यहां पे ये ड्रोन है यहां पे, जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है मैन पोर्टेबल इंटेलिजेंट ड्रोन बेस्ड अटैक एंड सर्विलेंस सिस्टम। बेसिकली इस ड्रोन का काम ये है कि बिना मानव रहित ये दुश्मनों के एरिया में घुस करके वहां पे सर्विलेंस भी कर सकता है और वहां पे अटैक भी कर सकता है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का जो थीम है वो है नो योर डिफेंस, यानी कि जब तक सुरक्षा बल हमारे सशक्त रहेंगे तभी हमारा भारत जो है वो समृद्ध होगा। यहाँ पे तमाम वो एम्युनिशन आप देख सकते हैं, ये क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज की जाती है, जो गन है उजी नाम है इसका, उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से अटैचमेंट्स लगे हुए हैं, रेड डॉट अटैचमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बायनोक्यूलर यहाँ पे मौजूद हैं, साथ यहाँ पे पिस्टल्स भी हैं, उसके बाद टेवोर असॉल्ट राइफल, जो खास तौर पर पारा एसएफ के जो जवान होते हैं वो टेवोर असॉल्ट राइफल यूज करते हैं क्लोज कॉम्बैट के लिए, या फिर खास तौर पर जब उनको कोई टैक्टिकल ऑपरेशन करना होता है। उसके साथ ही यहाँ पे लेटेस्ट M4 असॉल्ट राइफल भी है और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रैगनोव, जो भारतीय सेना की खास तौर पर जो आर्मी है उसकी जान मानी जाती है, क्योंकि जितने भी स्नाइपर्स होते हैं वो खास तौर पर ड्रैगनोव का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो बुलेट लगती है वो होती है 7.62 mm की। आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी बुलेट कभी किसी दुश्मन के आसपास से गुजरेगी तो उसके जो और ये हमारे जो देश के जवान हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो हमें इसका डेमोंस्ट्रेशन करके भी दिखा रही है। ड्रैगनोव राइफल है, ये स्नाइपर राइफल होती है जिससे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम अटैक करते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे पास LMGs भी हैं जिसमें भी 7.62 mm का कार्ट्रेज लगता है। और आपको बता दें कि ये LMG जो है इसमें टोटल कितने राउंड्स लगते हैं सर, इसमें एक मैगजीन 120 राउंड। आप समझ सकते हैं कि एक बार LMG का ट्रिगर दबा तो दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाएंगे। और यहाँ पे कई सारे और भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस हम सभी आप तमाम समाचार प्लस के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक देश की जो सेना है वो सशक्त नहीं होगी तब तक हम जैसे लोग जो हैं वो निश्चिंत होकर के अपने घरों में नहीं सो पाएंगे। ये देखिए स्वदेशी जिसका नाम होता है कलाज़निकोव, यानी कि AK-47 का स्वदेशी रूप है AK-203। आप इसको देख सकते हैं कहीं ना कहीं लगभग AK-47 जैसा ही इसका भी मॉडल है और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक राइफल है। इसमें दो तीन मोड होते हैं, सबसे पहला मोड होता है सिंगल मोड जिसमें एक एक करके गोली निकलेगी और उसके बाद आपने जैसे ही इसे ऑटोमेटिक मोड में डाला यानी कि पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो जाएगी। और ये है 7.62 mm सिग सॉगर असॉल्ट राइफल, ये भी खास तौर पर एक तरीके से कार्बाइन जो राइफल पहले यूज होती थी उसी का अपग्रेडेड फॉर्म आप कह सकते हैं। अब ये सारी तो एम्युनिशंस और आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो गई, गोला बारूद के बारे में बात कर लिया। अब जिस उद्देश्य के साथ देश दे रहे हैं कि कैसे सेना को और भी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स दी जाए, एडवांस किया जाए, तो उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि LMS है, लॉयटर म्यूनिशन म्यूटेशन सिस्टम। बेसिकली सर ये काम क्या करता है थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। ये लेटर म्यूनिशन है, इसका जो भी टारगेट दिएगा उस टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं, खुद बर्बाद जाएगा टारगेट को बर्बाद करेगा। एग्जांपल कम्युनिकेशन टावर, फ्यूल डंप, एमिनेशन डंप, जो भी मूविंग टारगेट उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मूविंग टारगेट को पहले तो ये सर्विलेंस करेगा, उसके बाद सर्विलेंस ही करेगा, फिर बाद में टारगेट भी बर्बाद करेगा मूविंग के दौरान, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय। हाँ सेम। और सर इसकी रेंज क्या है? रेंज 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर, तो आप समझ सकते हैं कि 30 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी ऐसा दुश्मन का वाहन या कोई भी दुश्मन की ऐसी गतिविधि होती है तो इस तरीके की मॉडर्न टेक्निक जो है वो पता लगा करके खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस मूविंग व्हीकल को भी तुरंत वहां पर डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जो आप देखने वाले
वाले वो है 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर। अब ग्रेनेड लॉन्चर का बहुत ज्यादा अहमियत होता है जब हम वॉरफेयर में होते हैं, क्योंकि इस ये जो आप बैरल देख रहे हैं, इस बैरल के अंदर में से निकलेंगे छोटे छोटे शॉट गन के ग्रेनेड्स। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो लॉन्च होगा वहां पे सारे जो बुलेट्स हैं वो डाले जाएंगे, उसके बाद से ग्रेनेड लॉन्च किया जाएगा। अब हमारे पास है 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब कि ये मल्टी फंक्शनल है। आप इसको जो सेना के जवान हैं वो इसको बंदूक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इससे ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आधुनिकता की तरफ हमारा देश जो है वो बढ़ते चले जा रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारी सैन्य शक्ति है उसको ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे पास 7.62 mm मीडियम मशीन गन यानी कि MMG, ये वो मशीन है कि जब एक बार जब ये कॉक होती है उसके बाद जब सेना के जवान ट्रिगर दबाते हैं तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कुछ 10 या 15 गोलियां नहीं लगती हैं, ये पूरी गोलियों की बेल्ट लगती है। और एक बार ये जब ऑटोमेटिक मोड में आती है तो लगातार इसमें लगभग 500 से 600 राउंड जो है वो है जो सेना के जवान वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर है 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, ये आप जो पूरा सेटअप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे उसकी मैगजीन है इसमें यहाँ पे जो बुलेट्स हैं वो लगाए जाते हैं, और साथ ही ये 30 mm का इसका बैरल है जहाँ से जो भी जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन हैं, जो भी हथियार है, जो गोला बारूद है वो यहाँ से साफ तौर पे डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो बॉर्डर पे खास तौर पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला जो मशीन है वो है 81 mm मोटार। मोटार बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हथगोला होता है, लेकिन हथगोले को चूंकि हाथ से फेंका जाता है इसे इस मशीन के द्वारा फेंका जाता है, और ये 81 mm की इसकी पूरी बैरल है और इससे जो ग्रेनेड है वो लॉन्च किया जाता है। अब जो आप देख रहे हैं वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, यानी कि जब 1-to-1 कॉम्बैट होता है उसके लिए तो सारे एम्यूनेशन आर्म्स हमने आपको दिखा दिए, लेकिन अगर कभी टैंक आती है, कोई दुश्मन जो है वो अगर टैंक लेकर के हमारी सीमाओं में घुसता है तो ये यूज़ होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर। इसमें ये इतनी ज़्यादा हाईली इक्विप्ड मशीन है कि आप अगर एक बार इसमें टारगेट सेट कर दें तो उसके बाद वो सीधे जो मूविंग आपका टैंक होगा उस पर निशाना लगाते हुए वो सीधे उसको ध्वस्त कर लेगा। और अब आप देख सकते हैं 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है Mark IV, ये शायद अपग्रेडेड मॉडल है, इससे पहले भी एक मॉडल आता था Mark II Mark IV। सर ये बेसिकली क्या करने के लिए? इससे एंटी पर्सनल, एंटी टैंक, एंटी व्हीकल्स और एंटी बंकर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसे दिन के समय धुआं और रात के समय रोशनी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन के उजाले में तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही सकते हैं, लेकिन रात में भी इस मशीन का उपयोग करते हुए तमाम वो चीज़ों को किया जा सकता है जिससे दुश्मन जो है वो थर्रा उठे। अब यहाँ पे हमारे पास ये बाइनोक्यूलर्स हैं, सर क्या है ये बताएंगे थोड़ा प्लीज, क्या है सर ये? इसका नाम HHTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है। जी, और ये सर? ये सपोर्टर स्कोप है, इससे हम दूर तक सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? बॉर्डर्स पे यूज करते हैं या फिर हम मतलब ऐसा शहरी इलाकों में भी इसको यूज करते हैं? शहरी इलाके के लिए नहीं है, ये इंसर्जेंसी इलाके के लिए है। LC पर हम इसको दूर तक सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो मतलब ये स्पॉटर दूरबीन है जिससे हम दूर तक स्पॉट कर सकते हैं, और ये थर्मल इमेजिंग वाले हैं जिससे साफ तौर पे ये पता चल जाएगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे मुताबिक इसमें कलर चेंज होगा और उससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई दुश्मन है या नहीं है। यहाँ पे कई सारे मॉडर्न बाइनोक्यूलर्स रखे हुए हैं, उनके साथ एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिससे सारी चीज़ों को मॉनिटर भी किया जा सकता है और एक के बाद एक दुश्मनों का कितनी भी दूर हो उससे पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक और मॉडर्न मशीन है हमारे पास, सर ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा? सर इसका ये जो है ये दिन और रात में सर्गुलेंस करने वाला चीज़ है जिससे कि हम अपने फायर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। इसका पूरा नाम है थर्मल इमेजर इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट, और इसके साथ में ये और ये अभी लेटेस्ट वर्जन नया हमको मिला है, ये है GPS रिसीवर एंटीना, और इसके साथ ये है वीडियो सिस्टम जिसमें हम इस HHTI की मदद से जिस टारगेट को देखेंगे वो पूरा इस वीडियो में डिस्प्ले देगा। HHTI की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज है सर मैक्सिमम 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक ये देख सकता है मैक्सिमम, चाहे दिन हो चाहे रात। हाँ जी 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 जी, तो आप समझ सकते हैं कि 20 किलोमीटर तक से जो हमारी सेना है उसकी आंख बनेगा इस तरीके का टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये है एरियल व्हीकल RPAV
और ये एक तरीके का ड्रोन है। और अब जिस तरीके से भारत ही नहीं तमाम जितने भी देश हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं वो है स्विच रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि RPA। सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा कि ये क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। सर ये एक प्रकार का ड्रोन ही है, हाइब्रिड ड्रोन है, ना इसको हम ड्रोन कह सकते हैं UAV, इसको UAV नाम से जाना जाता है। इसका जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक हम सर्विलेंस कर सकते हैं। इसके साथ दो कैमरे आते हैं हमारे, एक जो होता है दिन के समय देखने के लिए और एक रात के समय देखने के लिए। तो ये एक तरीके का ड्रोन प्लस UAV जो है उन दोनों का मिश्रण है। और ख़ास तौर पे जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो एक चीज़ को ज़रूर बयां करती है कि दिन प्रतिदिन हर दिन हमारे जो सैन्य शक्ति है, जो हमारा सैन्य बल है, जो सुरक्षा बलों के लिए जितने भी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को भारत सरकार जो है उनको देने का काम करिए, ताकि जल्द से जल्द जो दुश्मन इलाके हैं, जो दुश्मन हमारे जो देश हैं उन सभी से काउंटर इंसर्जेंसी किया जा सके, 1-to-1 कॉम्बैट किया जा सके। और जितने भी हाईली इक्विप्ड जितने भी मॉडर्न मशीन गन्स हैं, जितने भी हमने आपको राइफल्स दिखाए, सेमी ऑटोमेटिक गन्स दिखाए, ड्रोन्स दिखाए, इन सभी का उपयोग जो है वो तमाम इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए होता है। फिलहाल मोराबादी से अपने कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ सुमित रॉय, समाचार प्लस रांची।